आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x dx इज इक्वल टू। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट 2x प्लस 3 को t मानना है। तो अंडर रूट 2x प्लस 3 को हमने t मान लिया, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊँ तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू आ गई t स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूँ यहाँ से, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t बाय 2 dt, यानी कि dx इज इक्वल टू आ गया मेरे पास t dt। ठीक है, अब ये सारे सब्स्टिट्यूशंस में हमारे इंटीग्रेशन में पुट कर देता हूँ। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अब न्यूमरेटर में क्या था हमारे पास, अंडर रूट 2x प्लस 1, तो उसकी जगह हो गया t, dx की जगह क्या हो जाएगा t dt, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x, x की जगह मैं क्या लिखूंगा t स्क्वायर माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ आ गया। तो हमारा इंटीग्रेशन फाइनल क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल t स्क्वायर dt बाय t स्क्वायर माइनस 3। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 2 टाइम्स, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 कर देता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा t स्क्वायर माइनस 3। तो अब अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3 dt, और यहाँ पर भी dt, तो ये t स्क्वायर माइनस 3 से t स्क्वायर माइनस 3 कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ dt, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt और प्लस 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 1 बाय t स्क्वायर माइनस 3 dt। अब देखिए, अब ये तो सिंपल हमारा इंटीग्रेशन हो गया 2t प्लस 6 टाइम्स, अब ये हमारा जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय 2a ln x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, अब देखिए a की जगह क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो a है हमारे पास रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 3 इंटू ln x माइनस ए, यानी t माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय t प्लस रूट 3 और प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब t की जगह मैं हमारा वापस से वैल्यू पुट कर देता हूँ, t की जगह अंडर रूट 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस, अब देखिए ये हमारा कैंसिल आउट होएगा, ये 3 बनेगा, फिर इसे कैंसिल आउट होएगा, ये रूट 3 बनेगा, तो ये रूट 3 प्लस रूट 3 एल एन, टी की जगह हमने क्या डाला, अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 3 और प्लस सी, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।